भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय श्री कपिल महेश्वर पाटिल जी, यहाँ के लोकल सांसद लोकप्रिय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार और जेके के समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद सभी पंचायत जनप्रतिनिधि, वर्चुअल के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई, जो दुनिया में इतने प्रतिनिधि, 2.5 लाख पंचायत और 31 लाख से भी ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं, ये विश्व के जनतंत्र में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन का नहीं है। मैं आज के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर मैं दो ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 32 लाख की यहां आबादी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमें हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं, गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और चुनाव के कारण आज यहाँ इतने जनप्रतिनिधि यहाँ हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। महोदय, मैं एक ही चीज कहूंगा, आने वाले दिन में आपके आने के पहले देश के अंदर में पंचायती राज में एक सिस्टम के नाम पर, जब आपने ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लाने का काम किया, उसके तहत प्लानिंग, जीपीडीपी, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सभी को एक सिस्टम में लाया गया। महोदय, आज एक पाई का जो खर्चा होता, वो खर्चे एमआईएस पर ई गवर्नेंस जो आपका बुक है उसमें करते, आज देश का पहला पंचायत होगा जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा, देश का पहला पंचायत होगा जिसके समूचे रिकॉर्ड ई रिकॉर्ड होंगे। मैं आपसे इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहूंगा कि आपके नेतृत्व में पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत बनाया गया है। वाइब्रेंट पंचायत, शहरों का तो मास्टर प्लान बनता था जब आप आए थे, उसके पहले 100 रुपया प्रति व्यक्ति के वित्त आयोग के अनुशंसा पर होता था, आज लगभग 700 रुपया प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं। महोदय, केवल ये नहीं, आप उसमें एक अपना जो दिशा निर्देशन है, जब हम कहते हैं कि आने वाले दिन में वाइब्रेंट पंचायत होगा तो केवल टाउन प्लानर ही नहीं होगा, बल्कि हम वहां पर ग्रीन एनर्जी भी कर रहे हैं, जिसका साक्षात्कार आपने उद्घाटन किया। हरित खेती, प्राकृतिक खेती का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। केवल वही नहीं, बल्कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं। सिंचाई युक्त पंचायत हो,
अगले हमने कार्यक्रम में रखा है, स्वास्थ्य पंचायत हो, आने वाले दिन में स्वच्छ पंचायत हो, अगर हमने एक वाइब्रेंट पंचायत के रूप में लिया है, ये भी लिया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, केवल 250 किलोमीटर भारत नेट का कनेक्शन हुआ था, आज 6 लाख किलोमीटर है। महोदय, आज ई लाइब्रेरी युवाओं के लिए, ई किसान लाइब्रेरी मार्केटिंग वैल्यू एडिशन के लिए, ई महिला महिलाओं को 1 लाख रुपए की आमदनी हो इसलिए ई मार्केटिंग भी हो, और आपसे टेलीमेडिसिन ही नहीं बल्कि हम उनको एक ऐसा अवसर दे रहे हैं। दुनिया में, देश में जब भी कोई डिजास्टर आता तो वो डिजास्टर गांव में आता, उसके लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हम देने का काम कर रहे हैं। महोदय, मेरा लक्ष्य है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव हो, स्वस्थ गांव हो, पानी पर्याप्त गांव हो, स्वच्छ हरा भरा गांव हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, बच्चों के लिए अनुकूल गुड गवर्नेंस की स्थिति पैदा हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपके दिशा निर्देशन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत एक वाइब्रेंट पंचायत बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उस दिशा में तेजी से पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।